तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम बात करेंगे इसके अंदर हॉर्टिकल्चर की। स्टार्टिंग जो फर्स्ट यूनिट है हमारे चैप्टर की, दैट इज एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन, मींस फूड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप के साथ हमें फूड प्रोटेक्शन की बात करनी है, बिकॉज मेन पर्पस हमारा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को ग्रो करवाना, उसकी पैदावार बढ़ाना, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना, और वो एडवांसमेंट क्या क्या है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इकोनमी में, और उसकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, सो हम मूव करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले कुछ भी हमें करना है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। सो देखो, होटी का मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, डेट इज होटी प्लस कल्चर। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज होटस, लैटिन वर्ड दैट इज होर्टस, HORTUS। इसका मतलब क्या होता है, होटस का मतलब लैटिन लैंग्वेज में होता है गार्डन। क्या होता है, गार्डन, या फिर क्या होता है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, गार्डन या फिर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, सो हॉर्टिकल्चर क्या होगा, वो ब्रांच होगी एग्रीकल्चर की, वो ब्रांच एग्रीकल्चर की जो कि फ्रूट क्रॉप, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं लाइक एप्पल, ऑरेंज, बनाना, वेजिटेबल क्रॉप लाइक ब्रिंजल, लेडी फिंगर, है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जितने भी हम सजावट के लिए प्लांट्स यूज करते हैं लाइक कोई भी फ्लावर हो गया, ग्लैडियोलस हो गया, बोगनवेलिया हो गया, डेट इज ऑर्नामेंटल प्लांट। कॉमर्शियल फ्लावर, वो फ्लावर जो कि कॉमर्शियली पर्पस के अंदर ग्रो की जाती है लाइक रोज, ग्लैडियोलस, डहलिया। ठीक है, रोज, ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस, डहलिया, दीज आर द सम फ्लावर दैट इज यूज इन द कॉमर्शियल फ्लावर। ओके, सम मेडिसिनल क्रॉप्स लाइक अश्वगंधा, है ना, लाइक अश्वगंधा, अश्वगंधा, अगर मैं इसकी हॉट इसका नाम साइंटिफिक नेम की बात करूं, डेट इज विथानिया सोमनीफेरा। ठीक है, उसके अलावा कुछ हम बात करें किसकी, मेडिसिनल क्रॉप्स की और बात करें, डेट इज सफेद मूसली, डेट इज ऑल्सो एन मेडिसिनल क्रॉप। ओके, उसके अलावा हम बात करते हैं तुलसी, डेट इज ऑल्सो एन मेडिसिनल क्रॉप। उसके बाद हम बात करते हैं काली मिर्च, डेट इज ऑल्सो एन मेडिसिनल क्रॉप। उसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, इलायची, कार्डेमम, है ना, दैट इज ऑल्सो एन मेडिसिनल प्रॉपर्टी। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, एरोमेटिक क्रॉप्स की। सो एरोमेटिक क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी हो सकती है, जिससे हमें सुगंध मिलती हो, जिससे हमें खुशबू मिलती हो, वो क्या हो सकते हैं, रोज, मोगरा, मोगरा को हम जैस्मिन भी बोल सकते हैं, और उसके अलावा ग्लैडियोलस। ठीक है, उसके अलावा और भी जितने भी क्रॉप्स होती हैं वो सारी हमारी आएंगी एरोमेटिक क्रॉप्स के अंदर। फिर स्पाइसेस क्रॉप, स्पाइसेस क्रॉप कौन कौन सी हो सकती है, जैसे जो हम मसाले यूज करते हैं, रेड मिर्च,
रेड चिली, टर्मरिक, ठीक है, दिस ऑल आर द स्पाइसेस क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप जिनको हम प्लांटेशन करते हैं, मतलब उनका क्या करते हैं हम, उसके लिए पहले हम एक नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक है। नर्सरी तैयार करके नर्सरी के अंदर हम क्या करते हैं, सीड्स को लगाते हैं। हम सीड्स को लेंगे, सीड को जमीन के अंदर बो देंगे। बोने से क्या होगा, वहां पर प्लांट उग जाएंगे, छोटे छोटे सीडलिंग्स बन जाएंगे। देन हम उन सीडलिंग को मेन फील्ड के अंदर ट्रांसफर करते हैं एज अ स्मॉल प्लांट। जब हम स्मॉल प्लांट को एक न्यू फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, डेट इज कॉल्ड ए प्लांटेशन क्रॉप। ओके, उसका इंडिविजुअल ट्रीज, जितने भी ट्रीज होते हैं, लाइक बनियान ट्रीज हो जाता है, पीपल ट्री, अशोका ट्री, डेट ऑल आर द इंडिविजुअल ट्री। उसके शर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, जो भी ऊपर चढ़ जाते हैं, जितनी भी बेल्स आएंगी, जितनी भी वेल्स आएंगी, जितने भी क्लाइंबर्स होंगे, हम सारे बोलते हैं, लाइक हमारा खीरा है ना, वो भी हमारा क्या है, क्लाइंबर है। हमारा मनी प्लांट है, डेट इज ऑल्सो अ क्लाइंबर, ठीक है। तो इन सब की स्टडी, इन सब की ब्रांच जो इन सब से डील करती है, फ्रूट क्रॉप से, वेजिटेबल क्रॉप से, ऑर्नामेंटल प्लांट से, कॉमर्शियल फ्लावर से, मेडिसिनल क्रॉप से, एरोमेटिक क्रॉप से, स्पाइसेस क्रॉप से, प्लांटेशन क्रॉप से, इंडिविजुअल ट्री से, स्क्रब क्लाइंबर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और इन सब की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना और उनकी प्रोसेसिंग करना, डेट ऑल कम्स अंडर द हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हमने बात कर ली इनकी ब्रांच के बारे में, अब बात करते हैं व्हाट इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, मतलब उसको, उससे हमने प्लांटेशन, जो हमारी क्रॉप्स आई है ना, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई, हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हो गई, हमारी मेडिसिनल क्रॉप्स हो गई, हमने क्या किया, उनका प्रोडक्ट ले लिया। लाइक हमें मैंगो मिल गया, हमने मैंगो ले लिया, उसको लेने के बाद हमने उसकी मैनेजमेंट करनी है। अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो गल जाएगा, वो सड़ जाएगा, है ना। तो उसको मैनेजमेंट करना भी एक हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, डेट इज कॉल्ड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग। लाइक हमारे पास मैंगो है, मेरे पास मैंगो है, मैंने मैंगो का क्या किया, उसकी स्लाइसिस बनवा दी, है ना, स्लाइस बनवा दिया, आम पापड़ बनवा दिया, माजा बनवा दिया, फ्रूटी बनवा दी, डेट ऑल आर इन द प्रोसेसिंग यूनिट। कि हम एक प्रोडक्ट है, उसमें हम कैसे वैल्यू एडिशन करके, कैसे उस प्रोडक्ट को हम दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करके, उसमें वैल्यू एडिशन करके हम मार्केट में उसको लेके आ रहे हैं, है ना, और उस चीज से हम ज्यादा प्राइस को ले रहे हैं, डेट ऑल कम्स अंडर द हॉर्टिकल्चर। क्लियर है? सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात करें इम्पोर्टेंस क्या है, हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पढ़ ली है, अब वाई हॉर्टिकल्चर, हम प्रमोट क्यों कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर को, हमने सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्यों पढ़ा, एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, वाई हॉर्टिकल्चर क्रॉप, है ना। सो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, पर यूनिट एरिया यील्ड इज हाई, कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है ना, उनका जो एरिया होता है, मान लो कि हमने एक एकड़ के अंदर कोई क्रॉप लगाई, है ना, एक एकड़ के अंदर हमने दो तरह की क्रॉप लगाई, एक तो मैंने लगाया गेहूं, मतलब वीट, एक मैंने लगा दिया वीट, और एक मैंने लगा दिया अपना मैंगो। ओके, सो वीट के फील्ड में हमें मैक्सिमम कितना मिलता है, मान लो मेरे पास 35 क्विंटल, 35 क्विंटल पर हेक्टेयर मेरे पास मेरी क्रॉप आ गई, बट यहाँ पे तो 35 नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे तो काफी सारे पेड़ होंगे और एक पेड़ पे काफी सारे आम होंगे, है ना। तो ये अप्रोक्स जाएगा 500 क्विंटल के करीब एक एक हेक्टेयर के अंदर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, जो यहाँ पे यील्ड है, वो क्या हुई, हाई हो गई, किस केस में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, बिकॉज दैट इज अंडर द फ्रूट क्रॉप, और जो हमारी ग्रेन क्रॉप है, दैट इज अंडर द एग्रोनॉमी, है ना। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सेम एरिया के अंदर ज्यादा यील्ड देगा कौन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। सो पर यूनिट एरिया यील्ड इज हाई एज कंपेयर टू द फील्ड, पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज वेरी हाई, कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसकी जो यील्ड होगी वो पर हेक्टेयर ज्यादा होगी। फ्रॉम एंड फ्रूट एरिया ऑफ लैंड मोर यील्ड इज ऑब्टेन,
एक फ्रूट एरिया से मैंने बात की किसकी, मैंगो की, उससे ज्यादा यील्ड ऑब्टेन होगी। लाइक पैडी गिव्स अ मैक्सिमम यील्ड 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। जो पैडी है, जो धान है, जो धान की फसल है, उसे मैक्सिमम जो मिलता है 30 क्विंटल पर हेक्टेयर मिलता है, वाइल बनाना से हमें 300 to 500 क्विंटल पर हेक्टेयर मिलता है। तो अल्टीमेटली हम देखें तो क्या बढ़ रहा है इसका, इसकी यील्ड इंक्रीज हो रही है, और यील्ड जिसकी इंक्रीज होगी उसी से हमें ज्यादा प्राइस फैच होगा, और जिससे ज्यादा प्राइस फैच होगा वही हमारे लिए ज्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है ना। अल्टीमेटली देखा जाए कि फार्मर है वो ग्रो क्यों कर रहा है क्रॉप को, इसलिए ग्रो कर रहा है ताकि उसको एक एक सर्टिफिकेटरी प्राइस मिले, है ना। और वो प्राइस कब मिलेगा, जब उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। प्रोडक्शन कब ज्यादा होगी, जब हम प्रमोट किस पे करेंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे करेंगे। ओके, सेम पाइनएप्पल 450 क्विंटल पर हेक्टेयर देता है, ग्रेप्स 90 to 150 क्विंटल हेक्टेयर देते हैं। इन प्रेजेंट शॉर्टेज ऑफ फ्रूट एंड स्कैर्सिटी ऑफ लैंड ग्रोइंग फ्रूट, मोर फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस। तो अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, अगर हम फ्रूट क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, अकेले फ्रूट क्रॉप्स ही नहीं, अकेले हम वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज वेजिटेबल्स होता है उनका भी वेट ज़्यादा होता है। तो हम वेजिटेबल्स कर रहे हैं, फ्रूट्स कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑल से क्या होगा, अल्टीमेटली यील्ड उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, करें नेक्स्ट मूव। हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से हाई रिटर्न मिलता है कैसे। फ्रॉम वन यूनिट एरिया ऑफ लैंड मोर इनकम विल बी ऑब्टेन। देखिए, एक यूनिट एरिया है मेरे पास, ठीक है, एक यूनिट को मैं एक हेक्टेयर एरिया मान लेता हूँ, क्या मेरे पास एक एकड़ एरिया, मान लिया मैंने एक एकड़ एरिया है मेरे पास लैंड का, ठीक है, उससे ज्यादा इनकम मिलेगी कैसे। वेल किप्ड ऑर्कार्ड एप्पल ग्रेप स्वीट ऑरेंज कैन प्रोड्यूस 25,000 पर हेक्टेयर नेट इनकम। देखो, जो 25,000 नेट इनकम आ रही है ना, नेट इनकम क्या हुई, नेट इनकम हमारी वो हुई कि जो हमने टोटल उस पर स्पेंड किया, जो हमने उस पर टोटल स्पेंड किया, ठीक है, जो टोटल स्पेंड किया हमने अमाउंट, माइनस जो हमारे एक्सपेंडिचर हो गए, जो हमारे उस पर खर्चा लगा, हमारा सीड का खर्चा, हमारा मेंटेनेंस चार्ज, हमारा लेबर चार्ज, हमारा मेडिसिनल चार्ज, जो भी लगा उन सबको काट दिया, और जो हमारा बचा उसे हमने क्या बोल दिया, हमारा नेट इनकम। तो हमारी जो नेट इनकम होगी पर यूनिट एरिया इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्या, एग्रोनॉमिकल क्रॉप लाइक वीट एंड राइस या पैडी, ठीक है। अदर क्रॉप्स और भी हो सकती हैं, लाइक मक्का, सोरगम, मेज, मस्टर्ड, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर यूनिट एरिया मतलब क्या है इसका, पर यूनिट एरिया में हाई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप को अगर हम प्रमोट करते हैं कैसे। एज पर एस्टिमेशन एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन वन हेक्टेयर, इट गिव्स 143 एम्प्लॉयमेंट डेज पर ईयर, बट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर फार मोर अहेड एंड इट गिव्स 870 एम्प्लॉयमेंट डेज पर ईयर, एंड क्रॉप लाइक हैज आउटस्टैंडिंग फिगर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद 2000 एम्प्लॉयमेंट डेज पर ईयर। देखो क्या होता है, हाई एम्प्लॉयमेंट से बात क्लियर हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा कौन, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, क्यों, जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है, ठीक है, हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो कितनी मंथ की होती है, मैक्सिमम 3 to 5 मंथ की, है ना। तो 3 to 5 मंथ के अंदर वर्किंग डेज कितने होंगे, मान लो कि 143 या 142 to 150 डेज हमारे पास एम्प्लॉयमेंट दिन होंगे जिसमें बंदा काम कर सकती है, जिसमें लेबर काम कर सकती है। बट अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें, अब ऐसा तो है नहीं एक मैंगो का ट्री लगा दिया हमने एक साल में वो आम देने लगेगा, नहीं देगा ना, दूसरे ईयर में तीसरे ईयर से आम देना स्टार्ट करेगा, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट डेज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, वहाँ पे लेबर डेज इंक्रीज हो जाते हैं, तो लेबर डे इंक्रीज होंगे तो एम्प्लॉयमेंट है ऑलरेडी इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो पर ईयर अगर बात करें हॉर्टिकल्चर के अंदर तो वो एवरेज आता है 870 डेज एम्प्लॉयमेंट, और अगर हम एग्रोनॉमिकल क्रॉप की बात करें तो वो 143 डेज
एम्प्लॉयमेंट, इसलिए बोला गया कि हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन करेगा, हॉर्टिकल्चर एरिया पर यूनिट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड, जो हमारी लैंड होगी, जो हमारी वेस्ट लैंड होगी उसका क्या किया जाएगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे कैसे। सम फ्रूट क्रॉप्स कैन ऑफर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड क्रॉप लाइक वुड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, करौंदा, लीची, केश्यू नट, कोकोनट एक्सेट्रा, कि हमारे पास जो वेस्ट लैंड है जो हमारे यूज नहीं आ रही है, हम उन लैंड को भी यूज कर सकते हैं जो कि हमारे कुछ इनकम नहीं दे रही है। सो ऐसी लैंड जो हमें इनकम नहीं दे रही है और उस पे भी हम ग्रो करेंगे तो वहां से हमें एक अच्छी इनकम हमें होने लगेगी। ठीक है, उसमें हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, वुड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, करौंदा, लीची, केश्यू नट, कोकोनट, हम ये सब वहां पे ग्रो कर सकते हैं। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, मैनी इंडस्ट्री लाइक कैनिंग, वाइन प्रोसेसिंग, जैम, जेली, प्रिजर्व कैंडीज, फ्रूट ब्रीवरेज, पिकल, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, फ्लावर प्रोसेसिंग एटसेट्रा डिपेंड ऑन फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर इन रॉ मटेरियल। ठीक है, देखो क्या होता है, हमने सिंपल बात की कि वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड से हमने क्या किया, वेस्ट लैंड ली, वेस्ट लैंड से हमने क्या किया, वहां पे एप्पल को ग्रो कर दिया, कस्टर्ड एप्पल को ग्रो कर दिया, लीची को ग्रो कर दिया, केश्यू नट को ग्रो कर दिया, कोकोनट को ग्रो कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, वो इंडस्ट्री जो हमारा बना टोटल टोटल उससे हमारी वेस्ट लैंड बच गई। दूसरा, हम इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, इंडस्ट्री में हम जैसे कुछ में हम बनाते हैं, जैम्स बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं, उनको हम कैंस के अंदर बना लेते हैं, फ्रूट से बनते हैं अल्टीमेटली सब कुछ ये, उनको प्रिजर्व करते हैं, हम जो कैंडीज बनाते हैं, फ्रूट बेवरेज बनाते हैं, फ्रूट से जितने भी हम जूस बनाते हैं, ठीक है, पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं वेजिटेबल्स से, डिहाइड्रेशन करते हैं, उनको सुखाते हैं, ठीक है, सूखा अचार आता है, सूखी जितनी भी सब्जियां आती हैं, सूखे जितने भी फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर की प्रोसेसिंग करते हैं, फ्लावर की प्रोसेसिंग करके गुलकंद बना दिया जाता है, या फिर मोगरा की बात की, जैस्मिन से उसको प्रोसेसिंग करके परफ्यूम बना लिया जाता है, रोज से भी हम क्या करते हैं, रोज से हम उसे भी हम वो बनाते हैं परफ्यूम, है ना। सो ऑल ये सब डिपेंड किस पे करता है, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल पे, फ्लावर पे और उसके सब कुछ रॉ मटेरियल पे। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ यहाँ तक? सो लास्ट आता है यूज ऑफ अनड्यूलेटेड लैंड। फ्रूट ग्रोइंग कैन बी प्रैक्टिस इन प्लेसेस वेयर द ग्रेडियंट इज अनइवन और वेयर द लैंड इज अनड्यूलेटेड एंड एग्रोनॉमिकल क्रॉप कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। इन कॉन्कन रीजन मैंगो एंड केश्यू नट्स आर कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल ऑन हिली एंड हिल बैक एरिया। जो अनड्यूलेटेड लैंड है, मतलब जिसका क्या है कि वो एक लेवल पे लैंड नहीं है, ऐसी लैंड जो कि अनइवन है, ठीक है, ऐसी लैंड जो कि अनइवन है, इवन वहां भी हम इस चीज को कर सकते हैं, है ना, बिकॉज जो प्लांट्स हैं, हम अगर एग्रोनॉमिकल क्रॉप की बात करें तो एग्रोनॉमिकल क्रॉप में तो पूरा पानी देना पड़ेगा, बट इसके अंदर हमें ऐसे नहीं करना पूरा फील्ड ग्रो कर में पानी दे दिया, हमें पर प्लांट के हिसाब से पानी देना होता है, तो वो इजिली मेंटेन हो जाता है, इसलिए हम हिली बैक एरिया हो या हिली एरिया हो, ठीक है, जैसा भी एरिया होगा वहां पे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज जो हिली एरिया है, हिली बैक एरिया है, वहां पे हम इसको जो क्रॉप्स होती है एग्रोनॉमिक क्रॉप वहां पे उसको नहीं लगा सकते, इसलिए अनड्यूलेटेड जितनी भी लैंड होगी वो उसको भी हम यूज कर सकते हैं इन द हॉर्टिकल्चर क्रॉप। नेक्स्ट मेरे पास है रीजनल एंड एस्थेटिक इम्पोर्टेंस, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ओके, गुड बाय।